हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, जिसके अंदर हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है। देखिए, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, सपोज करिए कि एक आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे अगर वो चल रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे ही चलेगी। यानी कि अगर 1 आवर में वो 40 किलोमीटर चल रही है, तो 2 आवर्स में कितना जाएगी, 80 किलोमीटर। इसी तरीके से 3 आवर्स में कितना जाएगी, 120 किलोमीटर। इसी तरीके से 4 आवर्स में कितना जाएगी, 160 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे हमारा जो टाइम है, यानी जो हमारा टाइम है, वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के। यानी कि अगर हमारा टाइम भी बढ़ रहा है, तो हमारा डिस्टेंस भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है। बट यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर कोई भी चीज बढ़ रही होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक हाउस है और उस घर के अंदर आप काम करा रहे हैं, तो अगर एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके पास ज्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आपके पास ज्यादा होंगे, तो आपका काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। यानी कि जो काम कंप्लीशन का जो टाइम है, वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। यानी कि ये काम क्या होगा, कम होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, तो 10 लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 5 डेज में ही फिनिश कर देंगे। 20 लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, यानी कि वो 2.5 में ही फिनिश कर देंगे, 2.5 डेज में ही फिनिश कर देंगे। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे, तो जो हमारा काम कंप्लीशन का टाइम है, वो ऑलरेडी कम होता जाएगा। यानी कि हमें एक चीज समझनी होगी, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उसके अंदर दोनों यूनिट्स की चीजें बढ़ती रहती हैं, और जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, अगर एक चीज बढ़ रही होती है, तो दूसरी चीज उसके अपोजिट में घट रही होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यही हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट का एग्जांपल देखा जाए, तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। एक नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब पे है और वो टाइम कंप्लीट कर रहे हैं एक, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ टाइम्स जॉब इनवर्सली प्रोपोर्शन, बिकॉज अगर ज्यादा वर्कर्स होंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन कम वर्कर्स होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यहाँ पे दिया गया है टाइम और डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का। टाइम टेकन बाय अ जर्नी, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया भी था पहले ही, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझा रहा था कि अगर टाइम हमारा लगेगा एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई भी चीज चल रही है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, अगर कल्टिवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड की बात की जाए, तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना एरिया होगा, उतने ही हम कल्टिवेट कर सकते हैं एरिया जो लैंड का होगा, उतने ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब एरिया बढ़ेगा, तो ज्यादा हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी जो है वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको एक चीज देखने को मिली है, यहाँ पे फिक्स जर्नी है और स्पीड ऑफ व्हीकल है, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, एक फिक्स जर्नी के लिए टाइम जो लिया गया है वो क्या है। देखिए यहाँ पे जो टाइम है और जो स्पीड है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है और स्पीड की बात हो रही है, तो जो टाइम और स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर हम टाइम कम लेंगे, स्पीड अगर बढ़ाएंगे अपनी, तो कम समय में पहुंच जाएंगे, स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे। अगर हम स्पीड अपनी कम रखेंगे, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। हम कह सकते हैं इफ टाइम इज लेस देन स्पीड इज मोर, ये हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, ये पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, अगर हम जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या लैंड भी बढ़ेगा क्या उसके साथ साथ, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लैंड उतना ही कम होता जाएगा पर पर्सन के बेसिस पे। वो लैंड की जो लैंड जो हमें जरूरत होगी, वो एरिया जिसकी जरूरत होगी पर पर्सन के बेसिस पे, वो हमारा कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो हमारा लैंड का एरिया भी बढ़ता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक प्राइज मनी रखी हुई है एक टेलीविजन गेम शो के अंदर,
जो पहला प्राइज लिखा हुआ रखा हुआ है वो हमारा 1 लाख टू बी डिवाइडेड इक्वल अमंग्स टू विनर्स, जो विनर्स है उसमें इक्वली डिवाइडेड है। जैसे कि अगर मान लो 1 लाख का प्राइज है अगर एक पर्सन के लिए, तो 2 लोग होंगे तो वो 50-50 होगा, तो 4 लोग होंगे तो कितना होगा 25, अगर 5 लोग होंगे तो 20,000, अगर 8 लोग होंगे तो 1,200-1,500, इसी तरीके से अगर 10 होंगे तो वहां पे 10,000 आएंगे, 20 होंगे तो 5,000 टर्न्स आएंगे। तो हमें बताना है कि कितने कितने मनी की जरूरत पड़ेगी इंडिविजुअली अगर डायरेक्टली या इनवर्स प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ विनर्स में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर यहाँ पे देखिए जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारे नंबर ऑफ विनर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पहले 1 था फिर 2 था, तो जो हमारा प्राइस मनी है वो कम होती जा रही है। अगर एक ही विनर था तो उसको हम कितना दे रहे थे, 1 लाख दे रहे थे, आपको पता है 1 लाख दे रहे थे। अगर 2 विनर्स है तो कितना हो जाएगा, 1 लाख को डिवाइड कर लेंगे 2 लोगों में, 2 लोगों में जब 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50,000, ये हमारा हो जाएगा 50,000। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख को अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। इसी तरीके से अगर 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 20, 8 में डिवाइड करेंगे तो 12,500, इसी तरीके से 10 से डिवाइड करेंगे 10 लोगों में तो ये हो जाएगा 10,000, अगर 20 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 5,000। यानी कि ये हमारा क्या था, ये जो क्वेश्चन था हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, क्योंकि जो अमाउंट था वो फिक्स था और नंबर ऑफ विनर्स जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको उतने उसके अकॉर्डिंग उनका अमाउंट कम होता जा रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी हमारे पास दिया हुआ है एक पेयर दिए हुए कंसेक्यूटिव स्पोक्स, जो तिल्लियां होती हैं उनका एक व्हील के अंदर जो तिल्लियां लगी हैं, जो व्हील्स के अंदर जो स्पोक्स होती हैं उन उसमें इक्वल स्पोक्स होंगी तो कितने एंगल्स होंगे, हमें बताया, हमें हमसे पूछा गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक चीज दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे अगर सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल के अंदर आपको ही पता है कि 360 का एंगल बनता है। अगर 360 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स अगर हमारे पास जब नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास आठ होंगी तो वहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 45 का बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा 45 का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से अगर 10 होंगे वहां पे तो 10 में डिवाइड करेंगे, यानी कि जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो एंगल है वो उनका कम होता जाएगा। जब 10 की बात करेंगे तो 36 होगा, 12 की बात करेंगे तो 30 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जैसे जैसे उस व्हील के अंदर स्पोक्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो उनका एंगल होगा वो कम होता जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 360 में अगर मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो उसका जो एंगल होगा वो 360 का होगा, लेकिन वैसे ही अगर जैसे ही मैं 12 का डिवाइड करूंगा तो इसका एंगल 30 का होगा, 8 का डिवाइड करूंगा तो 45 का हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर स्पोक्स की बात की जाए, उनके कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच के एंगल्स की बात की जाए, अगर 4 होंगे, जाहिर सी बात है अगर 4 होगा, जैसे देखिए एक सर्कल के अंदर अगर यहाँ पे 4 स्पोक्स बना दी जाए, 1, 2, 3 एंड 4, ये 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 90 का होता है, ये भी हमारा 90 का होता है, ये भी 90 होता है, ये भी राइट एंगल 90 होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये कैसे आया, 90 कैसे आता है, जब हम 360 में डिवाइड कर देते हैं 4 का, तो 4 9 जा 36, ये 90 इस तरीके से आता है। इसी तरीके से जब मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 60 आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे थे 8 में 45, 10 में 36, 12 में 30। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स के बीच में जो कंसेक्यूटिव स्पोक्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे जो उनका एंगल है वो कम होता जा रहा है। इसी तरीके से बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे अगर 15 स्पोक्स की बात की जा रही है तो 15 स्पोक्स में क्या होगा, 360 में हम डिवाइड कर देंगे 15 का, ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो नंबर ऑफ स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितने स्पोक्स की नीड होगी अगर हमें 9 का एंगल बनाना हो, तो नंबर ऑफ स्पोक्स वुड बी नीडेड कितने होगा 360 में, अगर हमें बनाना हो 40 डिग्री का एंगल तो 360 में हम डिवाइड कर देंगे 40 का, तो हमें नंबर ऑफ स्पोक्स 9 चाहिए। अगर 9 स्पोक्स होंगी तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो ऑलरेडी 40 का बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है और जो डिवाइडेड हुआ है एक बॉक्स है स्वीट का, जो कि 24 चिल्ड्रन के अंदर डिवाइड हुआ है और हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं, तो हाउ मेनी ईच गेट, कितने लोगों को मिलेंगी
इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन से रिड्यूसेस बाय 4, अगर उसमें बच्चे हैं जो कम हो जाएंगे। देखिए हर बच्चे को मिल रही है अपने पास 5 स्वीट्स और हमारे पास बच्चे हैं टोटल 24, यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल जो हो जाएंगे वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी हो जाएगी, 24 into 5 का मतलब हो जाएगा ये 120 हमारे पास टोटल हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। अगर हमारे पास बच्चे थे 24 और इन बच्चों में से 4 बच्चे कहीं चले गए, 4 बच्चे कम हो गए, यानी कि अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे, 20। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे, 20। अब 20 को, यानी कि जो 120 टोटल हमारे पास थी, 120 स्वीट्स को डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्वीट्स आएंगी वो आएंगी 6, यानी कि 6 स्वीट्स मिलने वाली है सारे बच्चों को। तो हमने बात कर ली स्वीट्स की, ये 6 स्वीट्स मिलने वाली है सारे बच्चों को। इसी तरीके से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक फार्मर है और हैज इनफ टू फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन अ कैटल फॉर 6 डेज, 20 एनिमल्स को 6 डेज में रख रहा है, और हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट द 10 मोर एनिमल्स इनके, अगर और 10 एनिमल्स उसके पास आ गए तो आपको बताना है कि उसका जो फूड, जो फीड रखा हुआ है, जो चारा खिलाने के लिए रखा हुआ है, वो कितने दिन तक चल पाएगा उसका। सबसे पहली चीज कि अगर उसके पास 20 एनिमल्स है तो वो 6 दिन तक चल पा रहा है, अगर उसके पास 30 हो जाएंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा। यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी कि यहाँ पे अगर एनिमल बढ़ रहे हैं 20 से 30 हुए, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो फीड है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, यानी कि 4-6 दिन से भी कम समय लगेंगे उसे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 20/30 करना है, और इसके अलावा इक्वल में रखेंगे x/6, अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आने वाली हमारे पास 4, यानी जो x की वैल्यू आने वाली है कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास 4 आने वाली है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर है और 3 पर्सन है, तो 4 दिन में फिनिश हो रहा है, तो 4 पर्सन होंगे तो कितने दिन में फिनिश होगा। सेम यही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये भी क्वेश्चन है, और उन 3 लोगों की जगह पे 4 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पे होना यही है 3/4 = x/4। अब ये देखो यहाँ पे कि अगर मैं 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दूंगा तो x = 3, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू हमारे पास 3 डेज आने वाली है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो 12 है हमारे पास, और नंबर ऑफ ईच बॉक्सेस के अंदर जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं वो 12 है, और जो बॉक्सेस हैं वो हमारे पास 25 है। तो हमें देखना होगा कि अगर 25 बॉक्सेस के अंदर टोटल कितनी बॉटल्स हैं, तो हम 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। तो 25 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं एक बॉक्सेस के अंदर का 20 रखने होंगे, तो कितने बॉक्सेस में वो फिल हो पाएंगे, तो 20 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 20 से डिवाइड करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास जो आंसर आएगा कम्प्लीटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 15। हमारे पास आंसर इसका 15 आएगा सॉल्व करने के बाद, कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद 15 आंसर आने वाला है। यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो इसका भी आंसर 15 ही आया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखे हुए, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 63 है, और मशीन्स हैं यहाँ पे 42, और यहाँ पे जो डेज हैं वो अगर 54 होगा तो कितनी, एक फैक्ट्री 45 मशीन्स प्रोड्यूस कर रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज के अंदर, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, अगर कितनी मशीनों की रिक्वायर होगी अगर हमें 54 डेज में कितने आर्टिकल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 63 में 42 का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन और 54 से डिवाइड कर देंगे, 63/54 = x/42। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट होने वाली होगी वो 49 होगी। तो ये हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट हो गया कि हमें जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो 49 होने वाली। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख सकते हैं कि एक कार है यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक कार 2 घंटे का समय ले रही है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में,
तुम्हें बताना है कि अगर 80 पर किलोमीटर की आवर से चलेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। जैसी सी बात, यहाँ पे स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम हमें कम लगेगा। तो यहाँ पे जो हमें टाइम लगेगा 1.5 आवर का टाइम लगेगा, क्योंकि 60/80 x/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आवर में हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे भी पर्संस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेजेस दिए हुए हैं। दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो दो क्वेश्चंस वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, कि अगर वन पर्सन फेल है बिफोर वर्क स्टार्टेड, एक पर्सन और टू पर्सन कुड बी ए न्यू विंडोज हाउस 3 डेज में फिनिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 3 डेज में फिनिश कर रहे हैं टू पर्सन, तो वन पर्सन कितने दिन में फिनिश करेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो वन पर्सन होगा अकेला मिलके उसको 6 दिन लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें कि कितने लोगों की जरूरत होगी वन डे में कंप्लीट करने के लिए, तो वन डे में अगर हमें कंप्लीट करना होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें वन डे में कंप्लीट करना है इस काम को। 2/3 = 1/3 करेंगे, 2/x = 1/3 करेंगे, यहाँ पे 6 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें वन डे में काम फिनिश करना है और एक पर्सन उस काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे स्कूल्स के अंदर 8 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का है, और ईच पीरियड के अंदर इफ द स्कूल अगर 9 पीरियड्स बनाने होंगे एक दिन में तो हमें कितने मिनट्स के पीरियड्स रखने होंगे। देखिए नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं वो 8 हैं, हमें नंबर ऑफ पीरियड जो चाहिए वो हमें चाहिए 9, और 45 मिनट्स का पीरियड है तो यहाँ पे टाइम कितना होगा। यहाँ पे 8/9 सबसे पहली चीज की, यहाँ पे 8 इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो टाइम हमारा कम हो रहा है। 8/9 ये इक्वल होगा किसके, 45/x। सॉल्व करेंगे एट में एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8x, 45 में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए 8/9 = x/45 यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 45, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9x, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9x, और 9x इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 45 × 8, यहाँ पे देख सकते हैं 45 × 8 अगर आया है यहाँ पे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 मिनट्स के पीरियड्स यहाँ पे होंगे कम्प्लीटली। इतना अगर 40 मिनट्स के अगर हम पीरियड्स रखते हैं तो 9 पीरियड्स होंगे, अगर हम 45 मिनट्स के रखते हैं तो हमारे पास 8 पीरियड्स होंगे, अगर वैसे ही हम 50 मिनट्स के रखेंगे तो हमारा और एक पीरियड कम हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया क्लास 8 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जिसके अंदर एक्सरसाइज 13.2 के बारे में डिस्कस किया। इसके अंदर हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स कि लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सके और समझ सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।